आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 से बांग्लादेश और श्रीलंका बाहर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, श्रीलंका और बांग्लादेश का पत्ता कट गया है। क्या है पूरा मामला आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईसीसी ने ग्रुप डिवीज़न की जो लिस्ट है वो जारी करके ये बता दिया है कि कौन से ग्रुप में कौन से टीम शामिल है। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो राउंड टू की ग्रुप से उसमें ना ही तो श्रीलंका का नाम शामिल है और ना ही तो उसमें बांग्लादेश का नाम शामिल है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि श्रीलंका और बांग्लादेश को जो है क्वालिफायर खेल करके अपना जगह बनानी होगी। अगर आप लोगों को याद हो तो एक ज़माने में ये दोनों टीम ऐसी थी कि इन दोनों को सीधे सीधे एंट्री मिल जाता था, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हुआ है। इन दोनों को क्वालिफायर से हो करके गुजरना होगा। और आप सभी को बता दूं कि इन दोनों को नाम जो है राउंड वन के ए और बी करके एक एक ग्रुप में दोनों को रखा गया है। तो इस तरीके से अब ये लोग जो है क्वालिफायर खेलेंगे, इनके साथ और भी टीमें होंगी, उनके साथ इन लोगों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर ये लोग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 खेलना चाहते हैं। तो जो श्रीलंका के फ़ैन हैं या फिर जो बांग्लादेश क्रिकेट के फ़ैन हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये निराशाजनक खबर ज़रूर है, लेकिन अभी भी उन सभी के पास मौका है कि वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करके अपना जगह टी20 विश्व कप 2021 में बना सकते हैं। तो आप लोगों क्या लगता है, ये दोनों पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट के जरिए अपना राय जरूर दीजिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आप लोगों को जरूर देंगे। तब तक बने रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।